जो लोग सीधे और शरीफ होते हैं उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती, और जो दबंग या पैसा या इस तरीके से लोग होते हैं उनको हर जगह महत्वता दी जाती है, वही हार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो कि चारों तरफ आपको यहाँ पर हाथों में झाड़ू लिए लोग ही लोग दिख रहे होंगे। काफ़ी लोगों के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इन लोगों से बातचीत भी दिखाएंगे कि कहाँ से ये लोग आए हैं और क्या सोच लेके आए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि जो गुरुग्राम में आज जो इनका सफाई अभियान चल रहा है, जो सेंटो के गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसान 21 दिनों की फरलों पर यहाँ पर आए थे, उसी उपलक्ष्य में इन लोगों ने सफाई अभियान किया। आप देख सकते हो कि पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, जो ये इनके आगे भी बैनर्स लगा हुआ है, ये सारी गाड़ियाँ सफाई अभियान से आ रही हैं। आप सामने देख सकते हो कि नौजवान हाथों में झाड़ू लिए और कूड़ा उठाए पूरी गुरुग्राम को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे भी झाड़ू लेकर काफी लोग खड़े हैं। चारों तरफ आज पूरी गुरुग्राम में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी गंदगी साफ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा इस नगरी में रुके थे, उसी को सजदा करने, उस सजदा के रूप में ये सफाई करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जाएंगे इनसे भी बातचीत करके। नमस्कार सर, आपका नाम? अरविंद इंसा। कहाँ से है सर? नोएडा से आए जी। नोएडा से आए हो सर? सर हाथों में झाड़ू लिए आज पहुंचे हो, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सर जो ऐसी सोच है, देखिए हम लोग सोचते हैं जो ये काम है ये हमारी सरकारों का काम है सफा करना, आप लोग एक आम जनता हो और इतने लाखों में लोग आए हो, क्या कहना चाहोगे? ऐसी सोच कैसे आई सर आपके अंदर? ये तो हमारे गुरु जी की अति है जी। गुरु जी मना आज एक यही नहीं करे, नतीजा करें, बॉम्बे कराए, राजस्थान करवाए, नेपाल करके आए हैं, दिल्ली करके आए हैं, नोएडा करके आए हैं, मैं 33 जगह हम लोग सफाई अभियान किए हैं। जरूरत है सर उनकी समाज को? बहुत जरूरत है जी। सर जो दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो बातें उठाई गई हैं, उन सब के लिए क्या कहोगे? ये सब गलत है, मीडिया की देन है जी। क्या मांग करोगे सर सरकार से? कि पिताजी हमें बाहर निकाल दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, दिखा रहे हैं आपको लगातार पब्लिक के साथ बातचीत, और लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उन लोगों का क्या कहना है। सर सुनिएगा दो मिनट प्लीज, इधर आइएगा सर। सर आपका नाम क्या है सर? बिरेंद्र इंसा। सर आज हम देख रहे हैं कि लाखों लोग पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के। सर एक लोग को बनाना मुश्किल हो जाता है, और झाड़ू लेकर बच्चे, छोटे छोटे, बूढ़े, नौजवान, लेडीज, सब लोग पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी पहुंचे हैं। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, कैसे लोग ऐसे काम करते हैं? हम सब मर्यादा में रहते हैं और मर्यादा के पुजारी हैं। हमारे गुरु ने हमेशा ये कहा कि इंसान की यही सबसे पहचान है कि मर्यादा में रहो। हमें अगर कोई आदमी ये कहेगा इधर नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे। हमें ये कहेंगे ये सफाई करनी है तो करेंगे। बेवजह हम किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, हम मर्यादा के पुजारी हैं। तो मर्यादा में रह के लाखों लोग नहीं, 2 लाख से भी ज्यादा होंगे लोग। समस्या ये है कि हम किसी को परेशान नहीं करते। अगर ट्रैफिक आती, सोच कैसे आती है सर? सबसे पहले है आजकल कोई किसी को बाल तक देना पसंद नहीं करता, आप लोग अपना समय दे रहे हो और पहुंचे हो और सफाई में अपना योगदान दे रहे हो, ये सोच कैसे है? ये सोच हमारे गुरु जी ने यही कहा है कि इंसान इंसान के काम आए तो इंसान है, नहीं तो जानवर जैसा व्यवहार न करोगे तो फिर जानवर कहलाओगे। वहाँ से हमारे गुरु प्रेरणा देते हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, और वहीं से हम इस प्रेरणा के अनुसार चलते हैं। सर जो दूसरी तरफ आरोप लगाए गए हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या? आरोप तो आप जानते हो, संसार में पेशा और राजनीति ये चीजें बड़ी गंदी है, और इसके दबाव में लोग क्या से क्या बोल देते हैं, क्या से क्या कर देते हैं। जो लोग सीधे और शरीफ होते हैं उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती, और जो दबंग या पैसा या इस तरीके से लोग होते हैं उनको हर जगह महत्वता दी जाती है, वही हार हो रहा है। और राम नाम में तो पहले भी राम के जमाने में संत महापुरुषों को राक्षस सताया करते थे, और वो फिर जब ज़्यादा अत्याचार होने लगे तो फिर राम त्रेता युग में आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। इसी तरीके से हम राम नाम की ढाल के द्वारा राक्षसों को सद्बुद्धि देने की कोशिश करते हैं, और ये सफाई अभियान हमारी वही एक कड़ी है कि हमें देखो, हम अपना तन मन धन लगा करके हम तुम्हारी टट्टी साफ कर सकते हैं, गलियों में लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, गरीबों का इलाज करा सकते हैं, हम दीन दुखियों को खून बेड़ दे सकते हैं, पर हमें आप समझ नहीं पाए, और हम आपको समझे कैसे, क्योंकि आपका तो अत्याचार ही बंद नहीं हो रहा। जरूरत है सर संत जी की समाज? संत की तो इतनी जरूरत है कि जैसे कोरोना जैसे समय में लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते, हम उस समय में भी ब्लड दिया हमने लोगों को, और एक फोन आता है हम तुरंत ब्लड देने के लिए चले जाते हैं। ऐसी हमें संत ने ऐसी शिक्षा दी है कि कोई दीन दुखियों की मदद करो, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, और
बीमार को इलाज, ये आपको करना है और हम सभी साथ संगत जो 60 करोड़ है वो ऐसे ही करती आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, देख सकते हो लोगों के जज्बा। इनका कहना है कि कहीं पर भी समाज हित का कार्य हो, चाहे गरीबों को खाना बनाकर देना हो, उनको खून दान करना हो, उनके लिए घर बनाकर देना हो, तमाम कार्यों में हम हमेशा संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी ईसा के कहने पर ये कार्य करते हैं और आगे रहते हैं। और आज भी हम सफाई करने आए हैं, इनका कहना है कि बिल्कुल हम सिस्टम में ये कार्य करते हैं, जहाँ पर भी इनको अलाउ किया जाता है भी यहाँ पर सफाई करनी है, गंदगी साफ करनी है, वहीं पर ये लाखों में हजूम पहुँच जाता है। ये है सच डेरा सच्चा सौदा विजन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी ईसा का। और आस्था की बात की जाए तो इनका कहना है हमारी पूरी आस्था पूरा विश्वास आज भी लगातार बरकरार है। देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।